दुनिया भर में शुरू होने वाला है मंदी का दौर, लेकिन भारत में दिख रहा है ज्यादा असर। जी सही सुना आपने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जॉर्जीवा का कहना है कि वैसे तो इस वक्त पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है, लेकिन भारत जैसी बड़ी और डेवलपिंग देश की इकोनॉमी में इस साल इसका असर सबसे ज्यादा और साफ नजर आ रहा है। इस स्लोडाउन के कारण 90% देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ की गति धीमी पड़ जाएगी। उन्होंने बात की डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज की, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित देशों में बेरोजगारी में एक ऐतिहासिक गिरावट देखी जा रही है। मतलब जॉब क्रिएशन वहाँ अच्छी है, लेकिन फिर भी अमेरिका, जापान और बहुत यूरोपियन कंट्रीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज धीमी पड़ रही हैं। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अब सुस्त पड़ने लगी है। ये डेवलप्ड देश फिर भी बेहतर तरीके से इकोनॉमिक स्लोडाउन को हैंडल कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत और ब्राजील जैसे देश जो डेवलप्ड नहीं डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनमें इस साल आर्थिक सुस्ती ज्यादा देखी जा रही है, जिसकी वजह से इन देशों में स्लोडाउन एक बड़ा चैलेंज बनने वाला है। तो बात साफ है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर यूनिफॉर्म नहीं होगा, कुछ देशों में ज़्यादा और कुछ देशों में कम असर होगा। ये भी बताया गया कि कम से कम 40 डेवलपिंग कंट्रीज़ की GDP की ग्रोथ 5% के ऊपर ही रहेगी, लेकिन सोचने की बात ये है कि इंडिया की GDP ग्रोथ ऑलरेडी 5% पर पहुंच गई है, तो आने वाले दिनों में इसे कैसे संभाला जाएगा ये देखना ज़रूरी है। 2 साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमी एक साथ बढ़ रही थी और दुनिया का लगभग 75% हिस्सा इकोनॉमी में ग्रोथ देख रहा था, लेकिन अब ये ट्रेंड उल्टी तरफ चलने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब की वजह क्या है, क्यों अचानक ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी होने की हालत है, तो इसकी वजह भी IMF ने बताई। उन्होंने कहा कि ये सब फ्रैक्चर्स की वजह से हो रहा है। नहीं, वो हड्डी में होने वाले फ्रैक्चर नहीं, ये ट्रेड में हुए फ्रैक्चर्स की वजह से हुआ, और ट्रेड में फ्रैक्चर्स हुआ है ट्रेड वॉर्स की वजह से। अब ट्रेड वॉर्स के बारे में सोचे तो सीधा नाम याद आता है अमेरिका और चाइना का। जब दोनों देशों में एक दूसरे पर ज़बरदस्त टैरिफ्स लगाए जा रहे थे, तब ये प्रिडिक्ट किया गया था कि इसका असर वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ेगा, और अब वही हुआ है। IMF ने इसके बारे में साफ तौर पर लिखा है कि एवरीवन लूजेस इन अ ट्रेड वॉर, मतलब एक ट्रेड वॉर में हर किसी की हार होती है, सिर्फ एक की नहीं बल्कि सबकी हार होती है। ऐसे ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से 2020 तक वर्ल्ड इकोनॉमी को $700 बिलियन का नुकसान हो सकता है और GDP में 0.8% की गिरावट आ सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान है, तो जान लीजिए कि स्विट्जरलैंड की पूरी इकोनॉमी ही लगभग $700 बिलियन की है। इसके साथ और भी फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को इस दुर्गति की ओर ले जा रहे हैं, जैसे ब्रेग्जिट। 2016 में UK बड़े शान से यूरोपियन यूनियन से निकलने का फैसला तो ले गया, लेकिन अब तक कोई एग्जिट एग्रीमेंट या ब्रेग्जिट डील नहीं बना पाया है। ब्रेग्जिट के वक्त भी यही कहा गया था कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से और इफ़ेक्ट्स निकल कर आए हैं, जैसे कि दुनिया भर में कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस अपनी अपनी इकोनॉमी पर कम हुआ है और मार्केट रिएक्शंस भी नेगेटिव आने लगे हैं। US चाइना ट्रेड वॉर और ब्रेग्जिट दोनों ही ऐसे इकोनॉमिक डिसीजंस हैं जिन पर कायदे से काम नहीं किया गया। इनमें लॉजिक कम और एक्शन रिएक्शन ज़्यादा लगता है। ब्रेग्जिट को प्रमोट करते वक्त बताया गया था कि कैसे UK अपनी रिसोर्सेज EU के साथ बांट रहा है, और ब्रेग्जिट होने से उनके रिसोर्सेज वो खुद के लिए रख पाएंगे, किसी से बांटेंगे नहीं। इस आर्ग्यूमेंट का कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं था, बस कंजर्वेटिव पार्टी को जीतना था तो वो जो मन में आया बोलते चले गए। ट्रेड वॉर्स में कहा गया कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है और उन्हें सबक सिखाने के लिए ये टैरिफ्स लाए गए हैं। 1 साल से ऊपर हो गया है, ये दोनों देश इस मुद्दे पर एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, पर कोई समाधान नहीं है। जब बड़े बड़े देश एक दूसरे से कोऑपरेट करने के बजाय अपनी अपनी दुकान संभालने की बात करते हैं, तो दुनिया भर की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। अब भी हालत एकदम खराब नहीं है, सही डिसीजंस लेकर ग्लोबल इकोनॉमी संभल सकती है। ग्रोथ हो रही है पर कम हो रही है, थमने की कगार पर है।
उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सब देशों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा, नहीं तो मंदी में नुकसान तो सबका है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, लेकिन नुकसान तो तय है। उम्मीद बस यही है कि वर्ल्ड लीडर्स अपने पॉलिटिकल एम्बिशन और ईगो से उठकर वो करेंगे जो उन्हें करना चाहिए, एक साथ मिलकर इकोनॉमिक पॉलिसीज पर काम और उनका सुधार। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।